तो आज हम लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन है उसे क्लासिफिकेशन करने की अलग अलग मेथड देखी। सबसे पहले टैली मार्क्स की मेथड देखी थी, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन और मोर देन की कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। इनके बाद हमने टेबुलेशन की मेथड भी देखी। और टेबुलेशन की मेथड के बाद आज एक्सरसाइज 2.3 में हमें आखिरी मेथड देखनी है, जो कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन करने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन करने के लिए ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बनाना। सही बात है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दी गई हो तो उसको इजीली और अट्रैक्टिव अगर रिप्रेजेंट करना हो ना, तो सबसे सिंपल मेथड आती है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ईजीली समझाई जा सकती है। कोई इलिटरेट पर्सन भी हो ना तो भी उसे ग्राफ के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन समझा सकते हैं हम लोग। इसीलिए कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल मेथड सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट रहती है। आज हमें वही मेथड इस एक्सरसाइज में सीखनी है, जिसमें ग्राफ के अलग अलग टाइप्स देखने हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ बार ग्राफ बनाते थे, लेकिन अब बार ग्राफ के अलावा दूसरे ग्राफ के टाइप्स भी देखने हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें तो पहले दो क्वेश्चंस तो आपके बार ग्राफ के ही हैं, वही हैं, पुरानी मेथड के ही। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द डेटा ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रेजेंटेड विद अ सूटेबल डायग्राम। यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इनकम टैक्स, फाइनेंस, प्लानिंग, और उसमें कितने एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में 4000 लोग काम करते हैं, रेलवे में 6000, इनकम टैक्स में 3000, फाइनेंस में 2500, प्लानिंग में 1500, ऐसे। इसे हमें डायग्राम में बताना, ग्राफ में। जब ऐसा सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई हो ना, सिर्फ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ बताने एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई हो ना, तो उसके लिए बार ग्राफ सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो इसके लिए भी हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे, ध्यान है ना। आप लोग जैसे बुक में बार ग्राफ बनाते हो, ग्राफ की बुक में वैसे ही आपको बनाना। यहाँ तो मैंने सिर्फ वैसे ही ड्राइंग के थ्रू बनाया है, आपको लोग परफेक्ट ग्राफ बुक में बनाना। ऊपर पहले हेडिंग देते हैं इसमें हमेशा, कि बार ग्राफ शोइंग अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उसे एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे लिखते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इनकम टैक्स, फाइनेंस, प्लानिंग, पता है। एक एक या दो दो पहले एक ग्राफ बनाओ, फिर उसके बाद एक या दो गैप छोड़ दो, फिर दूसरा, ठीक है। ये बोर्ड पे ऐसे ही बना हुआ है, आप ग्राफ बुक में प्रॉपर मेथड से बनाना। एक्स एक्सिस पे लिखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर चेक करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6000 है। 6000 है मतलब ग्राफ में आप 1000 या 5500 करके जाओ तो 6000 मिल जाएगा ना। जैसे कि यहाँ इस ग्राफ में 1000 करके दिया हुआ है, 1000 2000 3000 4000 1000 करो तो भी 6000 तक आ जाएगा, 5500 करके जाओगे तो भी आ जाएगा। ये तो यहाँ पर छोटी स्क्रीन है आपके ग्राफ बुक में, तो बड़े पेज में 5500 करके गैप लोगे तो भी आ जाएगा उसमें। और फिर वही ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में देखें कि रोड ट्रांसपोर्ट में 4000 है, रेलवे में 6000 और इनकम टैक्स में 3000, फाइनेंस में 2500 और प्लानिंग में 1500। तो उसे हम लोग यहाँ पर बनाए कि जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में 4000, तो ये ग्राफ बनाते हैं ना 4000 तक। रेलवे में 6000, तो रेलवे में ये ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे 6000 के सामने तक। इनकम टैक्स में 3000, तो यहाँ 3000 के सामने तक हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फाइनेंस में 2500, तो 2000 और 3000 के बीच में हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और प्लानिंग में 1500, तो 1000 और 2000 के बीच में 1500, है ना। सिंपल ही बार ग्राफ बनाना। यहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि हाँ भाई, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बारे में है, जो 4000 6000 ये सब ग्राफ है किसके बारे में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। और यहाँ पर अगर वाई एक्सिस का स्केल लिखना हो तो वो स्केल भी लिख सकते हो,
स्केल लिखते हैं ना, जैसे कि स्केल में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 एम्प्लॉयज, 1000 1000 का गैप लिया है ना, तो स्केल में लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 एम्प्लॉयज। ओके, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी, तो सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। द डेटा ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर रिप्रेजेंटेड बाय अप्रोप्रिएट डायग्राम। ये कोई कंपनी का प्रॉफिट है अलग अलग साल में, कि 2010 में 10 क्या दिया हुआ, करोड़ रुपीस, मतलब 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2011 में 5 करोड़, 2012 में -2, मतलब लॉस हुआ, 2 करोड़ का लॉस हुआ। 2013 में 4, 2014 में 8, और 2015 में 6 करोड़। ये भी देखो एक ही इन्फॉर्मेशन है, बराबर, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में है। तो इसे भी हम लोग बार ग्राफ में ही बनाएंगे ना। इसमें भी देखो सबसे बड़ा नंबर 10 है, मतलब अगर आप बार ग्राफ बनाओगे तो ऊपर पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग कि बार ग्राफ शोइंग द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ऑफ वेरियस ईयर्स, जिसमें एक्स एक्सिस पे ईयर लिखेंगे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, और वाई एक्सिस पे प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट में 0 से शुरू करते हुए 10 तक है, तो 2 2 का गैप लो, भले 1 1 का गैप लो, आपके बड़े ग्राफ बुक में तो 1 1 के गैप में भी 10 तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको चेक करना है कि इसमें जो आप एक्स एक्सिस बनाते हो उसमें नीचे भी लिखना है, ये वाई एक्सिस में आपको नीचे भी लिखना है, क्योंकि 2012 में ना -2 है, तो एक ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ग्राफ में एक ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा क्योंकि -2 है। इसीलिए वाई एक्सिस में ऊपर अगर 2 4 6 8 लिख रहे हो तो नीचे भी -2 -4 -6 ऐसे लिखना है, या अगर ऊपर 1 2 3 4 लिख रहे हो तो नीचे भी -1 -2 -3 ये लिखना है, बराबर। फिर भले प्लॉट करेंगे, जैसे 2010 में 10 था, तो 2010 का ग्राफ 10 तक, 2011 का 5 तक, 4 और 6 के बीच में, 2012 का -2 लॉस था ना, तो इसलिए नीचे बनाएंगे उसका ग्राफ माइनस में, बराबर, ये ध्यान देना। 2013 में 4 ऊपर, 2014 में 8 तक, और 2015 में 6 तक, तो ये भी बन गया ना बार ग्राफ, सिंपल ही है ना ये तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ऐसे ही बार ग्राफ, लेकिन अब इसमें आता है मल्टीपल बार ग्राफ, कि जिसमें जब एक साथ दो इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो एक नया बार बनाते हैं, नया ग्राफ बनाते हैं, वो आता है मल्टीपल बार ग्राफ। लिखा हुआ है इसमें कि चेंजेस इन अ प्राइस शेयर ऑफ 5 कंपनीज एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 15 डेज आर एज फॉलोस। 5 कंपनीज का 15 दिन में शेयर के प्राइस में क्या क्या चेंजेस हुए वो बताना है। 5 कंपनी है ए बी सी डी ई, जिसमें पहले शेयर का, ए कंपनी का पहले शेयर का प्राइस 40 रुपीज़ था, शेयर प्राइस ऑफ शेयर, आफ्टर 15 डेज 15 दिन बाद उसकी प्राइस 60 हो गई। बी में 20 था पहले, फिर 30 हो गया, सी में 100 था 150 हो गया, डी में 80 था तो 60 हो गया, और इसमें 30 था तो 10 हो गया। 15 दिन बाद सबकी प्राइस ये बदली। अब यहाँ दो इन्फॉर्मेशन है ना, जब दो इन्फॉर्मेशन हो तो दो बार ग्राफ बनाते हैं, जिसे कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। हर एक कंपनी के लिए ए बी सी डी ई सबके लिए दो दो इन्फॉर्मेशन, तो उसमें उसमें मल्टीपल बार ग्राफ वो ऐसे बनेगा। हर एक में नीचे एक्स एक्सिस पे कंपनी लिखता है ना, उस कंपनी में ए कंपनी, तो उसमें भी दो ग्राफ बनेंगे, इसे कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, बराबर। बी कंपनी, उसमें भी दो बनेंगे, सी कंपनी में भी दो, और डी कंपनी में भी दो बनेंगे, ई में भी दो, ऐसा ना, बराबर, इसे मल्टीपल बार डायग्राम कहेंगे। तो ऊपर लिखेंगे पहले मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग चेंजेस इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ 5 कंपनीज एट बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 15 डेज, जिसमें यहाँ कंपनी वाई एक्सिस पे लिखेंगे प्राइस ऑफ शेयर। जहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, दोनों में मिलाकर सबसे बड़ा नंबर ये है 150।
मतलब ग्राफ में हम लोग 2020 का, या तो भले 10-10 का गैप लें, आपकी बुक में तो 10-10 के गैप में भी आ जाएगा, 150 तक ले जाना है ना। फिर वैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, वैसे ही ग्राफ में रखेंगे वैल्यू। जैसे देखो कंपनी ए, तो ए में पहला नंबर 40, दूसरा 60 है, तो पहला ग्राफ बनाएंगे 40 में और दूसरा ग्राफ 60 में, तो 40 एंड 60 ये आ जाएगा ना। ये मल्टीपल बायग्राम, मतलब पहले उसकी प्राइस 40 थी, 15 दिन बाद वो हो गई 60 की, बराबर। बी में बनाएंगे 20 और 30, उसमें 20 एंड 30, तो पहला 20 और दूसरा 30, 20 और 40 के बीच में, यहाँ देना है। तो आप जैसे ग्राफ बुक में बनाते हो, फिर सी कंपनी में उसमें 10 और 150, 100 और 150, तो पहला ग्राफ बनाएंगे वो 100 का और दूसरा 150, 140 और 160 के बीच में। डी में पहले 80 और दूसरा 60, ई में पहला 30 और दूसरा 10, बराबर। ऐसे ये ग्राफ बन जाएगा ना, इसे कहते हैं मल्टीपल बार ग्राफ। मल्टीपल बार डायग्राम, जब दो इन्फॉर्मेशन साथ में हो, आपको चाहिए तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन में ये जो ग्राफ है उसमें दोनों में अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो। कि जैसे पहला है उसमें आप कोई डिज़ाइन कर दो भाई, ऐसे क्रॉस लाइन आप कर रहे हो इसमें फर्स्ट ना, तो सब में फर्स्ट में फिर ऐसे ही डिज़ाइन करनी पड़ेगी ना सब में। सेकंड में अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे अगर ये सर्कल सर्कल बना रहे हो या डॉट डॉट कर रहे हो, तो दूसरे सब में भी ऐसे ही डॉट डॉट करना होगा, बरबर। ऐसे डॉट डॉट कर दोगे सब में, सेकंड वाले में, और वो फिर यहाँ लिखोगे। कि जैसे पहले समझो ये लाइंस वाला बॉक्स, तो उसे लिखेंगे प्राइस ऑफ शेयर इन रुपीज़, और दूसरा ये डॉट डॉट वाला बॉक्स, तो उसमें लिखोगे प्राइस ऑफ सेम शेयर आफ्टर 15 डेज, भाई वो डिज़ाइन वाला, बरबर। तो ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम लोग इन मल्टीपल बार डायग्राम में। आ रहे समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ 5 कंट्रीज इज एज अंडर रिप्रेजेंटेड बाय अ सूटेबल डायग्राम। यहाँ पर पांच अलग अलग कंट्रीज़ का बर्थ रेट और डेथ रेट है। यूएसए का बर्थ रेट और डेथ रेट, जापान, भारत, जर्मनी, यूके। तो इसमें भी हर कंट्री की दो इन्फॉर्मेशन है ना, बर्थ और डेथ रेट, तो इसे भी हम लोग उसकी तरह ही मल्टीपल बार डायग्राम की तरह बना सकते हैं ना, बराबर ना। दो इन्फॉर्मेशन है तो मल्टीपल बार डायग्राम बना सकते हैं। इसको भी ऐसे ही बना, पहले सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 34.2 है ये ना सबसे बड़ा, तो इसमें मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे। ऊपर हेडिंग लगा देंगे पहले कि मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जहां एक्स एक्सिस पे कंट्री लिखेंगे अलग अलग, यूएसए, जापान, भारत, जर्मनी, यूके, और वाई एक्सिस पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट लिखेंगे। जिसमें सबसे बड़ा नंबर 34 था ना, तो आप लोग 5-5 का, 4-4 का, 2-2 का गैप भी लोगे तो भी आ जाएगा 34 तक, बराबर है। 2-2 का गैप लोगे तो भी मिल जाएगा। फिर तो ग्राफ ही बनाना है। जैसे यूएसए में पहला लिखना है 16.5 बर्थ रेट, 16.5 मतलब 15 से थोड़ा ऊपर। आप जब ग्राफ में बनाओगे ना, मैंने 5-5 का गैप लिया है, आप 2-2 का गैप लेना, तो 16 एग्जैक्ट मिलेगा, 16 और 17 के बीच में, तो 16.5। फिर वैसे ही दूसरा डेथ रेट पे लिखोगे 10.2, 10.2 मतलब 10 से 1 पॉइंट आगे, 10.2 ना 10 से थोड़ा सा आगे। फिर ऐसे ही जापान में दोनों, भारत में, जर्मनी में और यूके में बनेगा ना ऐसा ग्राफ। समझ आ रहा है ना, सिंपल ग्राफ है ना ये मल्टीपल बार डायग्राम, सिंपल है ना, बराबर। तो हमने ये चार ग्राफ देखे ना, एक बार ग्राफ और ये मल्टीपल बार डायग्राम, दोनों के दो दो क्वेश्चंस देखे। ये तो पुरानी मेथड थी, अब हम लोग नया ग्राफ देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अब एक नया ग्राफ का मेथड देखें, जिसमें जिसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ प्रीवियस लिविंग इन टू डिफरेंट रीजन्स इज एज अंडर रिप्रेजेंट इज बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट डायग्राम। यहाँ पर दो रीजन के, एक रीजन ए और रीजन बी, दो रीजन मतलब दो अलग अलग एरिया के
यहाँ पर पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब लेस देन 15 ईयर के चिल्ड्रन उस एरिया में कितने रहते हैं और दूसरे एरिया में कितने हैं। यंग जो 15 to 35 एज वाले, रीजन ए में कितने लोग रहते हैं और रीजन बी में कितने हैं। 35 to 60 एडल्ट वाले, रीजन ए में कितने हैं और बी में कितने हैं। मोर देन 60 ओल्ड सीनियर सिटीजन्स, वो रीजन ए में कितने हैं और रीजन बी में कितने रहते हैं। और आखिरी में टोटल पॉपुलेशन है, रीजन ए की टोटल पॉपुलेशन और रीजन बी की टोटल पॉपुलेशन। तो अब ध्यान दो कि जब आपको क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ होता, अगर समझो टोटल नहीं होता ना, ये दिया हुआ होता तो ये दो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, पता है। तो आप मल्टीपल बार डायग्राम भी इसमें बना सकते हैं ना, दो इन्फॉर्मेशन है तो। लेकिन जब टोटल दिया हुआ है तो मल्टीपल बार डायग्राम नहीं बनाते, ये क्वेश्चन में देखना कि जब टोटल दिया हुआ हो तो मल्टीपल डायग्राम नहीं बनाना है, उसके लिए बनेगा डिवाइडेड बार डायग्राम। उसके लिए क्या बनेगा? डिवाइडेड बार डायग्राम, ऐसा, बरोबर, जिसमें जो दो रीजन है, रीजन ए और रीजन बी, उसे एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और यहाँ पर एज लिखेंगे। यहाँ पर एज, जो एज है ना, अलग अलग, जो चाइल्ड, यंग, एडल्ट, ओल्ड जो दिया हुआ था, बरोबर। फिर से देखो, मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है ए और बी, उसके लिए एक एक बॉक्स बनेगा पूरा। जब टोटल हो ना तो डिवाइडेड बाय डायग्राम बनाते हैं, रीजन ए के लिए पूरा एक बॉक्स और उसमें ये सब डिवाइड करते हुए अलग अलग पार्ट में लिखेंगे, चाइल्ड, यंग, एडल्ट, ओल्ड, रीजन बी का एक बॉक्स और उसमें ये सब अलग अलग पार्ट करके लिखेंगे। इसमें हमेशा टोटल लिख देते हैं कि टोटल कितना है, 1200, मतलब बड़े से बड़ा नंबर 1200 है ना, इसका टोटल भी 1000 ही है, इसका 1000। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समझो पहले एक बॉक्स बनाते हैं रीजन ए का, मैं क्वेश्चन और ग्राफ दोनों बता रहा हूँ, समझना। पहले एक बॉक्स रीजन ए का बनाते हैं, तो उसमें पहले 1200 है, 1200 है, तो इसका मतलब रीजन ए में पहले ही 1200 तक का एक बॉक्स बना देंगे। कहाँ तक का? 1200। अब 1200 बड़ा नंबर है, मतलब इसमें आप वाई एक्सिस पे 100 100 लो या 200 200 लो, दोनों करेक्ट होगा, बरोबर। तो अब इसमें कैसे बनाएंगे कि आपका सबसे बड़ा ये ग्राफ 1200 का पहले एक बॉक्स, ऐसे भी लेंथ में भी बड़े, आपकी ग्राफ बुक में 3 या 4 बॉक्स लेकर साथ में ऐसा एक बड़ा ग्राफ बनाना, और यहाँ पे कहाँ तक? 1200 तक लेंगे। अब 1200 में अलग अलग पार्ट हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कैसे, तो समझो इसमें रीजन ए में चाइल्ड कितने हैं, लेस देन 15 ईयर वाले कितने हैं, तो 480 हैं, 480 है ना पहला नंबर, मतलब यहाँ पर ग्राफ में पहला लाइन 480 पर पहली लाइन बनाएंगे। देख रहा है, इसमें कलर किया मैंने, आप लोग लाइन बनाना कि 480 पर, 400 से थोड़ा ऊपर 480 पे एक लाइन, कि ये जो बॉक्स बनाना पहला नीचे का, वो कौन सा हुआ? चाइल्ड का, बराबर। 480 के बाद दूसरा कौन सा नंबर है? तो 480 के बाद यंग में आते हैं 360, यंग में है 360, ओके। तो 480 में फिर 360 प्लस करेंगे, यहाँ तक 480 तक ये पहली लाइन बन गई ना हमारी, 480 तक ये लाइन बनी, अब इसमें 360 प्लस करेंगे। तो 480 में अगर 360 प्लस करोगे तो कितना होगा? 840 होगा, तो वो 840 पे एक लाइन बनेगी, दूसरी लाइन 840 की बनेगी। तो ये मिल जाएंगे आपको यंग, ये दूसरा जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, बराबर। अब तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है 240, तीसरा कौन सा है? 240 है। तो मतलब अब ग्राफ में यहाँ जो 840 तक आपकी लाइन बनी, उस 840 में 240 प्लस करेंगे, 840 में 240 प्लस, मतलब कितने हो जाएंगे? 1080, बरबर, आपके ग्राफ में प्लस करते जाएंगे, 840 के अंदर 240 और प्लस करेंगे, तो 1080 उस पर एक लाइन, बरबर ना, 1000 से ऊपर 1080 पे एक लाइन, तो वो मिल जाएंगे ये एडल्ट का। और आखिरी में 120 है,
120, मतलब ग्राफ में जो यहाँ 1080 आया, उस 1080 में 120 प्लस करो तो वो आखिरी मिल जाएगा आपको 1200। लास्ट जो पहले बॉक्स बनाया था ना, वो बॉक्स ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। हर इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग बार्स नहीं बनाए थे जो आगे क्वेश्चन में थे, इसमें एक ही बार में एक ही बॉक्स को डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। आपको एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझ रहे हो? अब जैसे रीजन बी में भी बनाना है ना, तो रीजन बी में भी देखो कि रीजन बी में सबसे ऊपर कौन सा है, टोटल कितना है, 1000 है। मतलब यहाँ पे ग्राफ में पहले ही 1000 तक का बॉक्स बना देंगे। ओके, 1000 तक का बॉक्स बना देंगे। अब उस 1000 में एक एक करके, जैसे पहले कौन सा है उसमें, चाइल्ड है उसमें 350। 350 मतलब ग्राफ में पहला 350 पे पहली लाइन बनाएंगे, बराबर 200-400 के बीच में 350 पे पहली लाइन। 350 के बाद दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है 250। तो 250 मीन्स, ध्यान रखो 250 मतलब 250 पे नहीं, वो तो नीचे की लाइन बन जाएगी। ये जो 350 बनाया है ना, उसके बाद 250 तो नीचे नहीं बनाना है, 350 के बाद 250 उसमें प्लस करेंगे और ऊपर। तो 350 में 250 प्लस करो कितना होगा, 600। तो 600 पे ऊपर लाइन बनाएंगे, ठीक है। फिर तीसरा नंबर 200 है, और उसके बाद भी 200। तो देखो 600 तक आया ना, तो 600 ये लाइन बनी, उसके बाद दूसरी लाइन 200। तो 600 और 200, 800 पे लाइन बनाएंगे, और उसके बाद फिर से 200। तो 800 और 200 ऊपर 1000 पे लाइन बनेगी। तो इस तरह से ये लाइंस बन गई ना, बराबर ना, ये डिवाइड ऊपर 1000 तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसमें जो मैंने जैसे अलग अलग कलर किए हैं, आप लोग इसमें अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो, एक में स्टार, एक में स्क्वायर, सर्कल्स या कोई भी डिज़ाइंस। और उन डिज़ाइन में ऊपर साइड में लिखना होता है आपको कि जैसे यहाँ ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर मतलब लेस देन 15 या चाइल्ड थे। उसके बाद ऑरेंज कलर है दोनों में, उसमें यंग। उसके बाद ये जो येलो कलर टाइप है उसमें एडल्ट, और ऊपर जो वायलेट कलर टाइप है उसमें ओल्ड। समझ आया? तो ये डिवाइडेड बार डायग्राम समझ में आया ना, ये आपके लिए अब नया था ना इस बार। इसी डिवाइडेड बार डायग्राम को अब एक और वे में, एक और मेथड से कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, जो आता है इसमें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एज ऑफ प्रीवियस लिविंग persons living in two different regions is as under represented by percentage divided bar diagram। divided bar diagram ही करना है, लेकिन कैसा, percentage divided। वही क्वेश्चन है, वही चाइल्ड, यंग, एडल्ट और ओल्ड, नंबर भी वही है, लेकिन अब इसे परसेंटेज डिवाइडेड, मतलब जो भी नंबर्स है ना, उन सब नंबर्स को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर ग्राफ बनाना है। तो इसीलिए अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको ग्राफ में एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक टेबल बनाना पड़ेगा ये कैलकुलेशन का, बराबर ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये एक टेबल बनाना पड़ेगा, फिर टेबल पर से ग्राफ बनेगा। तो इस टेबल में जैसे सबसे पहले एज, तो एज यहाँ पे चाइल्ड, यंग, एडल्ट, ओल्ड, नीचे टोटल। रीजन ए की बात करें तो रीजन ए में नंबर ऑफ पर्सन, वो क्वेश्चन में ही दिए हुए थे ना, चाइल्ड 480, ये 360, 240, 120, टोटल 1200। इस नंबर ऑफ पर्सन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब 480 को परसेंटेज में कन्वर्ट। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये टोटल चाहिए होता है, 1200 टोटल है ना इसका पूरा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये 480 है ना, तो 480 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई 100। 480 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई 100। फिर आप कैलकुलेटर में चेक करना, 480 मल्टीप्लाई डिवाइड 1200 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा 40। ये 40 परसेंटेज हो गया, बराबर ना, ये इसका परसेंटेज में कन्वर्ट। नहीं तो ऐसे भी कट करते हैं ना कि 0000 कट, 12 से कट होगा, 12 4 48, पीछे 0, तो 40%। फिर 360 को कन्वर्ट करना है ना, तो 360 डिवाइड 1200 मल्टीप्लाई 100, इसमें भी 360 डिवाइड 1200 मल्टीप्लाई 100, ये भी वही 0 0 कट,
360 डिवाइड बाय 12 तो आंसर 30%। 240 को कन्वर्ट करो तो 240 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई 100। नंबर में डिवाइड हमेशा ये टोटल का करते हैं और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए। ये भी 0000 कट तो 240 डिवाइड बाय 12 तो 20%। और यहाँ 120 को करोगे तो 120 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई 100 तो 0000 कट 120 डिवाइड बाय 12 तो आंसर 10%। आ गया ना ये, और इन सब का टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा ना फिर, बराबर। ऐसे अब रीजन बी में, रीजन बी में भी ये नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं 350, 250, 200, 200, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें टोटल चाहिए होता है। टोटल कितना है? 1000। तो इसमें करेंगे हम लोग कि जो 350 है तो 350 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय टोटल लिखते हैं डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, जिसमें ये तीन जीरो कट हो जाएंगे, ये दो जीरो इसके और एक इसका जीरो, तो बचेगा 35%। 250 में करोगे तो 250 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, इसमें भी तीन जीरो कट तो बचेगा 25%। ये 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 तो बचेगा 20%। और इसमें भी 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 तो बचेगा 20%, और टोटल उसका 100%। तो अब जो ये दोनों परसेंटेज मिल गए ना रीजन ए और बी के, तो अब परसेंटेज की तरह हम लोग ग्राफ बनाएंगे। मतलब अब जो डिवाइडेड बार डायग्राम बना है ना, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम शोइंग द एज ऑफ पर्सन लिविंग इन टू डिफरेंट रीजन, जिसमें यहाँ पे तो रीजन ही लिखेंगे, रीजन ए और बी। यहाँ पर एज, एज में लिखना है हमें परसेंटेज, ठीक है ना। 100 टोटल परसेंटेज होते हैं तो 0, 10, 20, 30, 40 लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हो। अब रीजन ए और बी में, अब इसमें पहला क्वेश्चन कैसे था पता है, कि उसमें टोटल जैसे 1200 आता था तो हम पहले 1200 तक ऊपर बना देते थे ना, परसेंटेज डिवाइड में टोटल तो 100 ही आएगा परसेंटेज का, इसलिए पहले टोटल कितना लिख देंगे, 100 तक का बॉक्स बना देंगे। ये ऊपर टोटल ये बॉक्स कहाँ तक का बन जाएगा, 100 तक का। ये जो बार बन गया फिर उसको डिवाइड करेंगे। अब देखो ये रीजन ए का है तो रीजन ए में परसेंटेज, पहले परसेंटेज कितने हैं, 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, ऐसा ना याद करना। तो देखो सबसे पहले 40 है तो मतलब यहाँ से पहला बनाएंगे 40 पे लाइन, डिवाइड करना है ना, तो नीचे से पहला 40 पे लाइन बनाएंगे। फिर 30 है तो 40 के बाद जो है वो 30 प्लस करो तो 40 और 30 70, तो ऊपर 70 पे लाइन। फिर 20 था तो 70 के बाद 20 और बढ़ाओ, 70 के बाद 20 बढ़ाओ तो वो 90 पे लाइन। और फिर 10 था तो 90 के बाद 10 बढ़ाओ तो वो आ जाएगा ऊपर 100 पे लाइन। तो ऐसा डिवाइड हो जाएगा सबका, क्लियर ना। जैसे डिवाइड में कैसे हम लोग ऊपर से बनाते हैं, नीचे से सॉरी, कि भाई जीरो पहले 40%, फिर उसमें 30, फिर उसमें 20। आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, डिवाइड ही करना है। मतलब 100 है ना, उसमें पहले 40% करो तो पहले ऊपर से नीचे 60 तक करोगे, फिर 30 कम करो तो और 30 कम करो 30 तक, फिर 20 कम करो उसमें तो 20 कम करो 10 तक, और फिर और 20 कम करो तो आखिरी 0 तक। कैसे हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर से नीचे आओगे तो भी करेक्ट है, डिवाइड ही करना है ना हमें। तो ऐसे ही रीजन बी में भी, रीजन बी में भी ऊपर तो पहले 100 तक का बन जाएगा ना, बराबर। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, वो इन्फॉर्मेशन आप साइड पे लिखना, स्पेस नहीं थी इसलिए यहाँ पे हो गया, आप साइड में लिखना, ग्राफ के ऊपर नहीं होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। तो इसमें भी पहले 100 तक का बनाएंगे, फिर जो टेबल में हमने बनाया रीजन बी में पहले कौन सा था, 35%, उसके बाद 25, फिर 20, फिर 20, तो पहले 35% है। मतलब यहाँ पर हम लोग ये पहला ग्राफ बनाएंगे, पहली लाइन नीचे से जाएंगे, वो कौन सी, 35%। 35 के बाद 25 है तो 35 में 25 प्लस करेंगे, ऊपर कौन सा आ जाएगा, 60, ठीक है ना, 60%। फिर 20% था तो 60 के बाद और 20 प्लस करेंगे तो 80 पे लाइन आएगी, बराबर ना, ये 80 के सामने लाइन आएगी।
और 80 के बाद 20 प्लस करो तो आखिरी वो 100 पे लाइन आएगी। तो इस तरह से डिवाइडेड बार डायग्राम भी बन जाएगा। समझ में आया? डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे, नॉर्मल डिवाइडेड बार डायग्राम और ये परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम है। ठीक है, तो आज जैसे ग्राफ देखा ना, ये तीन टाइप के ग्राफ देखे हमने, बराबर, बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और ये परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। आज जैसे तीन देखे, ऐसे ही तीन और ग्राफ की मेथड्स अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है ना, जिसमें सर्कुलर डायग्राम, पाई डायग्राम, पिक्टोग्राफ, वो ग्राफ की अब दूसरी मेथड्स अब अगले वीडियोस में। ओके, थैंक यू।